morning, friends. So today we will discuss about the optical rotation question. That is the question from chemical kinetics. And in this question, we will find the rate constant or kinetics of the chemical reaction find out only work out. And we will find the optical rotation of the compound and products of net. वो हमें गिवन, ठीक है, जिसको हम लोग पोलैरिमीटर से मैप करते हैं। तो इस लेक्चर को समझने से पहले आपको ऑप्टिकल एक्टिविटी की पूरी अच्छी तरीके से नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि इस सब चीजों का रिलेशन जो है ऑप्टिकल एक्टिविटी से होता है। और ऑप्टिकल एक्टिविटी जो है उसके लिए पूरा पूरा लेक्चर है हम लोगों का, तो उसको आप देख सकते हैं और उससे आपको एक बेसिक आइडिया ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में लग जाएगा कि सब्सटेंस की जो ऑप्टिकल एक्टिविटी है और ऑप्टिकल रोटेशन है उसको पोलैरिमीटर से मेजर करते हैं। ठीक, तो इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। द ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ ए केन शुगर इन एन एक्वस सॉल्यूशन इज गिवन एट डिफरेंट टाइम, शो दैट द इन्वर्जन ऑफ केन शुगर इन टू ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज फॉलोज द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स एंड कैलकुलेट द रेट कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में जो है आपकी केन शुगर आपकी टूटती है और तीनों ही ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड है, तो आपका केन शुगर है C11, H22, O11, इसका आपने हाइड्रोलिसिस करा C6H12O6 प्लस C6H12O6, ये आपका ग्लूकोज बन गया, ये फ्रुक्टोज। ठीक, इनके स्ट्रक्चर में इसमें जो आपका एल्डिहाइड ग्रुप होता है, इसमें कीटोनिक ग्रुप होता है, जो डिफरेंस है आपका फंडामेंटली। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो CHO की होल पावर H की पावर 4 और CH2O। ठीक, और कीटोन का आपका CH2OH बॉन्ड सी डबल बॉन्ड हो, बॉन्ड आपका CaOH की होल प्राइस और CH2। तो नॉर्मली हम इजीनेस के लिए ही फॉर्मूलाज को लिख देते हैं, लेकिन फंडामेंटली डिफरेंस होता है और इनमें भी बहुत सारे स्टीरियो आइसोमर्स बनते हैं। ठीक है, जिनका आप डिस्कस स्टीरियो केमिस्ट्री में करते। तो इसका अपना एक ऑप्टिकल रोटेशन होता है, इसका अपना एक ऑप्टिकल रोटेशन होता है, इसका अपना एक ऑप्टिकल रोटेशन। ठीक है, जिससे आप देखते हो केन शुगर का जो स्टार्टिंग में पॉजिटिव आपका जो है ऑप्टिकल रोटेशन आ रहा था वो नेगेटिव साइड में चला गया। इसी फिनोमेना को वी कॉल से इन्वर्जन, इस प्रोसेस को वी कॉल्ड इन्वर्सन। ठीक है, जो ऑप्टिकल रोटेशन आपका चेंज होता है, ऑप्टिकल इन्वर्सन। तो इसका जो है आपका इन ऑप्टिकल रोटेशन से हम लोग केमिकल काइनेटिक्स के बारे में कैसे जानते हैं, और क्वेश्चन में एक तो के निकालना है और के निकालने के बाद आपका ये भी प्रूव करना है कि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। फर्स्ट ऑर्डर की काइनेटिक्स के लिए आप जानते हैं कि फार्मूला क्या होता है, K=2.303 अपॉन टी लॉग ए ओवर ए माइनस। तो ए जो है आप इसकी स्टार्टिंग की कंडीशन कंसंट्रेशन रख सकते हैं केन शुगर की, सी ए ओवर ए माइनस एक्स इजिकल्स टू C11 H22 O11 एट टी इजिकल्स टू 0 C11 H22 O11 एट टाइम टी। तो या ये फॉर्मूला लिख देते हैं हम लोग कि के इजिकल्स टू 2.303 अपॉन टी लॉग ए नॉट ओवर। ठीक है, नहीं की बात है, इनसे कोई विशेष कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो अब इस ऑप्टिकल रोटेशन से कैसे हम केमिकल काइनेटिक्स निकालेंगे, इसका हम डिस्कशन करेंगे। सो यहां पर जो है हमने जो केन शुगर है इसके ऑप्टिकल रोटेशन को मान लेते हैं हम आर। ठीक है, इसके ऑप्टिकल रोटेशन ग्लूकोज को मान लेते हैं आर जी और इसको मान लेते हैं आर। अब जो आपका टी बराबर 0 पर इसकी कंसेंट्रेशन क्या होगी आपकी A 0 एट टाइम टी, इसी कंसेंट्रेशन क्या हो जाएगा आपकी ए माइनस एक्स एक्स एंड देन एट टाइम
इंफिनिटी पे क्या हो जाएगा, इसकी कंसेंट्रेशन जीरो, इसकी ए, इसकी ए। तो आपका जो पी बराबर जीरो पे आर जीरो होगा वो सिर्फ इसी की वजह से होगा, आर एस की वजह से, और जितने इसके मोल्स होंगे उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, ठीक है। तो वो इसका ऑप्टिकल रोटेशन आ जाएगा आर इंटू आर, ठीक है। और एट टाइम टी पर आर टी मान लिया हमने ऑप्टिकल रोटेशन, तो यहां पर जो है आपका आर टी क्या हो जाएगा, आर टी इज इक्वल टू ए माइनस एक्स इंटू आर एस प्लस आपका ग्लूकोज भी होगा एक्स इंटू आपका आर जी प्लस एक्स इंटू आर एस। और आर इंफिनिटी क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा ए इंटू आर जी प्लस ए इंटू, इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इसको हम सेकंड मान लेते हैं, इसको हम थर्ड। तो आप जो है अब फर्स्ट माइनस थर्ड कर दीजिए, फर्स्ट माइनस थर्ड कर लीजिए और सेकंड माइनस थर्ड, तो फर्स्ट माइनस थर्ड क्या हो जाएगी, आर जीरो माइनस आर इंफिनिटी इजिकल्स टू आपका इन दोनों को माइनस कर रहे हैं, तो आपने जो है ए को कॉमन ले लिया, तो आपका क्या बचेगा, आर एस माइनस आर जी माइनस आर एफ, ठीक है। अब आपने आर टी माइनस आर इंफिनिटी को कर दिया माइनस, ठीक है। तो अब आपका क्या होगा, इसमें से ये आपका माइनस में हो जाएंगे, ठीक है, और माइनस इसमें से कॉमन ले लेंगे हम लोग, जैसे ये आपका क्या बनेगा, ए माइनस कॉमन ले लेंगे, तो ये रिजल्ट आपका आएगा आर एस माइनस आर जी माइनस, ठीक है। तो इन दोनों इक्वेशंस को हम डिवाइड कर दें, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये ए माइनस एक्स था आपका ब्रैकेट में, ठीक है। तो ए अपॉन ए माइनस एक्स इज इक्वल टू आर जीरो माइनस आर इनफिनिटी ओवर आर टी माइनस आर इनफिनिटी, ठीक है। तो इसमें भी आपको कंफ्यूजन हो तो थोड़ा सा मैं इसको और एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जैसे आपने दोनों इक्वेशन को माइनस करा तो आपका क्या होगा, आर टी माइनस आर इनफिनिटी इज इक्वल टू ए माइनस एक्स आर एस प्लस एक्स आर जी माइनस ए आर जी, ठीक है, और प्लस एक्स आर एफ माइनस आपका ए आर एफ, ठीक। तो अब आपने जो है इन सब इसमें से ए माइनस एक्स है ही आर एस आपका, इसको माइनस आर जी कॉमन ले लिया, इसको आगे ले आते हैं, ये ए माइनस एक्स बचेगा, इसमें से माइनस आर एफ कॉमन ले लिया, ये भी ए माइनस एक्स बचेगा उल्टा करने पर, और इन तीनों में से भाग ले ले ए माइनस एक्स आर एस माइनस आर जी माइनस इसी वैल्यू को हमने, ठीक है। तो जो आपका फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन का जो फार्मूला है उसमें आप इस वैल्यूज को पुट करते हैं, ये आपको सब गिवन होते हैं डाटा, और पुट करने के बाद आपका के कैलकुलेट करने से जिसको अभी हम दिखाते हैं। सो अभी हमने फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए फार्मूला डिराइव करा था, के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन डी लॉग बेस आर जीरो माइनस आर इनफिनिटी आर टी माइनस आर, ठीक है। तो इसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं, के इज इक्वल टू क्या था आपका 2.303, मान लो टी बराबर आपने क्या ले लिया 24 लॉग आर जीरो इज 30.50 माइनस आर इनफिनिटी कितना है आपका माइनस 10.778 अपॉन आर टी 31.12 माइनस 10.77, इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो 0.00318 पर आवर है, ठीक है। इसी तरीके से आप और भी इसके रेस्पेक्ट में ले सकते हैं टी, तो भी आपका के क्या आएगा,
2.303 upon 190 log 34.50 minus 10.78 divided by aapka 13.95 minus 10.77. तो इसको भी आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका ये 0.00318 आवर के अप्रोक्सीमेट। तो जब आपके दो तीन डाटा के लिए के वी वैल्यू कॉन्स्टेंट आए तो उसका मतलब दिस क्वेश्चन फॉलोज द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। तो ये आपका मॉलिक्यूल फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स पड़ता है जिसका आपका रेट ऑफ एक्सप्रेशन जो होगा आर इज इक्वल टू के C11 H22 O11। ठीक है, ये इसका रेट ऑफ एक्सप्रेशन होगा। वाटर आपका इसमें एक्सिस में होता है इसलिए वो कंसीडर नहीं होता। तो ये सब जो आपकी इसकी काइनेटिक्स है हम लोग इन डाटा से आपका कोरिलेट कर लेते हैं। ठीक है,